तो हम एक और केविन में आ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक राजपूत जी हैं जो स्त्री रोग से रिलेटेड समस्याओं के विशेषज्ञ हैं, और शॉर्ट में कहें तो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे भी हम जानते हैं कि खासतौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, उससे रिलेटेड अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए, और बच्चियाँ और खासतौर पर जो पेरेंट्स हैं वो इनकी बात को ध्यान से सुने। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता के राज में। और हम चाहेंगे कि जो छात्राएं हैं उनके लिए आप एक खास संदेश, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, उस समय की दिक्कतें होती हैं, कैसे उन दिक्कतों से बच सके वो, और खासतौर पर बच्चादानी के बहुत सारे ऑपरेशन, पिछले डॉक्टर साहब है संतोष जी, उनसे भी बात हो रही थी, उन्होंने बताया बहुत सारे अक्सर बच्चादानी के ऑपरेशन होते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हाइजीन और ज्ञान, नॉलेज होना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग भ्रांतियाँ होती हैं कि ये हमारा महीना डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए 21 डेज से 35 डेज का जो इसके बीच में पीरियड आता है वो नॉर्मल माना जाता है। 21 दिन से पहले पीरियड नहीं आना चाहिए और 35 डेज के बाद में नहीं आना चाहिए, और जो पीरियड रहता है वो 2 से 7 दिन तक नॉर्मल माना जाता है। पहली बात ये है, इसमें ही बहुत लोग जानकारी नहीं रखते तो अपने आप को बीमार समझते हैं और पैसे बर्बाद करते हैं, और डॉक्टर भी जो है उनको जो अच्छे विशेषज्ञ नहीं हुए तो उन लोग वो लोग भी जो है उस पैसा बनाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, पैसा बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि टाइम टाइम बताए, और यदि हम माहवारी में कपड़ा गंदा लेंगे तो उससे इन्फेक्शन, अनहाइजीनिक रहेगा, इन्फेक्शन के चांस रहेंगे, तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले तो यही है कि साफ़ सुथरे कपड़े, हाइजीनिक कपड़े यूज़ करें, इस्तेमाल करें, और जो वैक्सीन है, वैक्सीन हर वो जो है वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि हम जो है उसके कैंसर से, होने वाले कैंसर से बचाव करें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी अवेयरनेस नहीं है। जिला अस्पताल में इसका वैक्सीन जो है फ्री मिल जाती है, तो वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। और एज क्या, एज लिमिट भी कुछ होती है सर वैक्सीनेशन में, कब करवाया जा सकता है? 14 साल से लेके 13 साल के आसपास करवा, 13 साल के आसपास। तो ये कैंसर जो यूट्रस में होता है वो जो एक वायरस की वजह से होता है, तो ये वैक्सीन लग जाएगा तो ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ खास सलाह, फिर हमारे साथ कुलदीप राजपूत जी भी आ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं, और खास सलाह महिलाओं को और इससे रिलेटेड जो आप देना चाहें, जो जनरल समस्याएं होती हो जिनसे वो बच सकें। सबसे ज़्यादा तो प्रेगनेंसी में आयरन की कमी हो जाती, खून की कमी हो जाती, तो उसमें जो है हरे पत्तेदार सब्जियां लें, गुड़ का इस्तेमाल करें, आयरन टैबलेट 100 टैबलेट जो गवर्नमेंट देती है उसको इस्तेमाल करें, 5-6 महीने के बाद कैल्शियम का इस्तेमाल, मतलब वो अच्छी दवाइयाँ होती है, केवल सरकारी समझ के उन्हें यूँ ही ना फेंक दें। क्योंकि महिलाएं अक्सर होता है कि सरकारी है ये तो काम नहीं करेगी, फेंक देती है अक्सर। तो हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप राजपूत जी भी हैं, तो आपका भी बहुत स्वागत है जनता के राज में। और आपसे भी हम चाहेंगे, आपके पास जो मरीज आते हैं, सबसे हमारा कॉमन क्वेश्चन था, आपसे भी कॉमन क्वेश्चन है, वो कैसे क्या एहतियात बरतें ताकि उनको आप तक ना पहुंचना पड़े, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब देखिए, हमारा जो पेशेंट होता है वो स्त्री रोग से संबंधित होता है, उसमें स्त्री रोग में क्या है कि कुछ तो डिसीज है और कुछ फिजियोलॉजिकल है, नेचुरल है, जैसे प्रेगनेंसी है वो इट्स नॉट अ डिसीज, वो एक नॉर्मल जीवन चक्र का एक हिस्सा है, तो वो तो होगी, प्रेगनेंसी होगी तो लोग उसमें कुछ समस्याएं भी होंगी उनको, तो उसके लिए तो वो दिखाते रहेंगे। और जो इसके अलावा जो डिसीज हैं स्त्री रोग में, गायनोकोलॉजिकल डिसीजेज हैं, उसमें कमी लाने के लिए तो बहुत से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको किया जा सकता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जिसके लिए अभी वो चल भी रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण अभियान चलता है, सरकार का भी उसमें कई कार्यक्रम हैं जो चलते रहते हैं। दूसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हम यूज करते हैं टेम्पोनेंट वगैरह, हम ज़्यादा इससे ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा इजी से कुछ जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता के राज में, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप स्वामी ब्रह्मानंद नगर राज में पधारी हैं और अपना कीमती वक्त यहाँ पर लोगों को दे रही हैं। अब आपसे बात करते हैं, महिलाओं में जो आम समस्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है? महिलाओं में आजकल जो सबसे आम समस्या देखी गई है वो है
सफ़ेद पानी की दिक्कत। अभी तक मैंने इतने मरीज देखे हैं, सभी में सफ़ेद पानी की बहुत दिक्कत आई है। इसमें सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को ध्यान रखना है, अपना हाइजीन मेंटेन करना है, साफ़ सफाई का ध्यान देना है, जैसे गीले कपड़े नहीं पहने, है ना, बाथरूम जाए तो पानी डालें, साफ़ करें, ये सब ध्यान देना है। सबसे ज्यादा समस्या तो इसी की आई है यहाँ पे। बात करते हैं जो बच्चादानी के ऑपरेशन अक्सर होते हैं, वो क्या दिक्कत हो जाती है और पहले से क्या रोकथाम किया जाए ताकि वो ना हो, ये दिक्कतें ना हो महिलाओं में? बच्चादानी का ऑपरेशन, देखो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं महिलाओं को कि बच्चेदानी में जैसे किसी को गांठ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं कि किस तरीके से रहना है, उस वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखनी चाहिए महिलाओं को, बेसिकली हाइजीन वगैरह। हाइजीन तो बहुत ज़रूरी है, हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके कारण दिक्कत आती है। जैसे ओल्ड एज की महिलाएं हैं, उनकी बच्चादानी अक्सर निकल जाती है, तो इस पर ध्यान देना, भाई ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाएं, है ना, बस यही होता है। बिल्कुल, और खासतौर पर छात्रा स्टूडेंट्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ एहतियात जो वो बढ़ते हैं, कुछ जानकारी आप उन्हें देना चाहें, उन्हें अवेयर करना चाहें, छात्राओं की कुछ विशेष जानकारी ताकि उन्हें आगे दिक्कत ना हो। अभी मेंसेस में दिक्कत छात्राओं को इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि वो टेंशन ज़्यादा लेती हैं। सबसे ज़्यादा फर्क इसी का पड़ता है, खान पान का पड़ता है। आजकल बच्चे बाहर ज़्यादा खाना खाते हैं, मोमोज, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बस ये ध्यान रखें कि हम बाहर का खाना कम करें और थोड़ा ज़्यादा टेंशन ना लें, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छा खाना पीना है। जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी ने ये सलाह दी है, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और ये देखिए सभी स्वस्थ और मस्त चेहरे हैं, लक्ष्य स्वयं सेवक हैं सभी लोग, उमा दीदी हैं। और सबसे पहले तो बात करते हैं हम, आज का कैंप कैसा रहा दीदी? बहुत बढ़िया रहा दीदी, आपका भी बहुत स्वागत है। भीड़ को मैनेज कर पाई है, आप नहीं कर पाई जी? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एकदम सफल कैंप रहा है, और जो पेशेंट भी बहुत भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमारा एक ही वो है कि थोड़ा सा पेशेंट को दवाइयों की प्रॉब्लम जा रही है, तो आगे यदि हम लोग मतलब फिर से लक्ष्य परिवार यदि कैंप अरेंज करता है तो दवाइयों की भी व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, तो कैलाश दीदी हैं और हम सभी लक्ष्य के जो लोग हैं वो सब ये कोशिश करेंगे कि अगली बार डॉक्टर्स आते हैं तो ये दवाइयाँ भी हम लोग उपलब्ध करवा सके ताकि लोग दवाइयों के साथ यहाँ से। दवाई बहुत जरूरी है, दवाई बहुत। भाभी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता के राज में, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, कितने लोग आए होंगे लगभग, कोई डायरी जो मेंटेन हुआ देखा है किसी रजिस्टर? अब 70 डॉक्टर थे और सभी लोग विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्र के, और यहाँ पर लगातार क्षेत्र भर से अलग अलग गांवों से आए लोगों का इलाज कर रहे हैं। आगे केवल में बहुत भीड़ है, थोड़ी देर में वहाँ भी जाते हैं और चर्म रोग विशेषज्ञ जो हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी खास जानकारियाँ लेते हैं ताकि वो आपके लिए काम की रहें और आप बीमार ना हो, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें।